हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभी का वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ एक्सेल सीरीज। तो इस वीडियो में हम हमारे वी लुकअप के सेकेंड वीडियो को देखने वाले हैं। जैसे कि वी लुकअप के हमारे फर्स्ट वीडियो को हमने शूट किया था, फर्स्ट वीडियो में कहा गया था कि वी लुकअप के ऊपर तकरीबन आपके 10 से 12 वीडियो होंगे, तो ये उसी में से सेकेंड वीडियो है आपका। तो इस वीडियो की हाईलाइट क्या होगी, इस वीडियो में वी लुकअप का कौन सा एक अलग अवतार दिख के आने वाला है, चलिए वो समझते हैं। तो वी लुकअप का ये वीडियो समझने से पहले हमें सेकेंड रूल को समझना ज़रूरी है। सेकेंड रूल क्या कहता है वी लुकअप का? सेकेंड रूल ये कहता है कि लुकअप वैल्यू शुड बी योर यूनिक इन योर डेटाबेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अकाउंट नंबर होता है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, ये आपकी क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। यानी एक नंबर अगर आपको असाइन किया गया है तो वो नंबर किसी और को नहीं दिया जा सकता है। ये इसलिए बिकॉज हम यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान के चले, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, लाइफ एग्जाम्पल, मान के चलिए आप एक इवेंट में हो, राइट, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल है। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल में लक्की ड्रॉ यहाँ पे दिया गया है। अब लक्की ड्रॉ के लिए अगर मैं वहाँ पे बोल दूँ कि ये जो लक्की ड्रॉ है ये राहुल को लग चुका है, तो क्या होगा, जितने भी राहुल नाम होंगे सारे के सारे आ जाएंगे, या तो जो राहुल सबसे पहला सुनेगा वो सबसे पहला उठ के मेरे पास आ जाएगा, जबकि उसको लगा ही नहीं है, कोई एक ही राहुल को लगा है, राइट। तो एक राहुल को लगाए तो अभी मुझे पर्टिकुलर वही बंदे को टारगेट करना है या वही डेटा को टारगेट करना है। अगर डेटाबेस की बात की जाए तो मुझे उसके उसे यूनिकली बुलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के लिए हर फील्ड में, हर जगह पे, हर डेटाबेस में, हर टेबल्स में एक प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि वो जो की है वो आपकी यूनिक होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है। जैसे अगर आप एम्प्लॉय डेटाबेस की बात की जाए तो एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, गवर्नमेंट पे चले जाओ तो पैन कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, ये सारे के सारे यूनिक आइडेंटिटीज़ होती है। आपके नाम से कोई पहचाना नहीं जाता है, डेटाबेस को आपके नाम से कंसर्न नहीं है, डेटाबेस को वो यूनिक आइडेंटिटी से कंसर्न है जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। बिकॉज अगर मुझे पर्टिकुलर एक राहुल की एंट्री चाहिए तो मुझे उसकी यूनिक आइडेंटिटी मालूम रहना चाहिए, वरना अगर मैं राहुल कॉल करूँगा तो हज़ारों राहुल यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। तो ये रूल वही कहता है। और ये रूल अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा आता है जहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज है तो उस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला बेसिक एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं वी लुकअप का। जो भी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है, सेकेंड वीडियो जो डायरेक्ट देख रहा है, उनके को पता चले कि एग्जैक्टली वी लुकअप करता क्या है। और मैं उन लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो वी लुकअप के हमारे वीडियो से ये शुरुआत से देखें, बिकॉज हर वीडियो में आपका टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अनयूजुअल होते हैं, जो हमको पता नहीं होते हैं, राइट। तो इस केस में डिस्क्रिप्शन ये कहता है द वी लुकअप फंक्शंस परफॉर्म अ वर्टिकल लुकअप बाय सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। तो ये हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है ये टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होना ज़रूरी है, ये हमारा फर्स्ट रूल था। और आज का रूल ये है कि आपकी यूनिक जो वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यूज़ होती है, ये यूनिक होना बहुत ज़रूरी है टेबल एरे में। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्निंग दी वैल्यू इन दी सेम रो इन दी इंडेक्स नंबर पोजीशन। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स होता है वो आपका चार पैरामीटर का होता है, तीन कंपलसरी पैरामीटर होता है, फोर्थ पैरामीटर आपका ऑप्शनल होता है। तो वी लुकअप से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे लुकअप वैल्यू मांगी जाती है कि आपको क्या लुक करना है डेटाबेस में। उसके बाद टेबल एरे क्या, हमारा डेटाबेस क्या है, हमारा एरिया कौन सा है जिसमें हमें यहाँ जो जिस चीज़ पे हमें यहाँ पे वैल्यू लुक करके चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर आप वी लुकअप यूज़ कर रहे हो, अगर आप एच लुकअप यूज़ कर रहे हो तो रो इंडेक्स नंबर। तो हम वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर को रेफ़र करेंगे, यानी हमने लुक तो कर लिया, आपको कौन से कॉलम से डेटा फेच करके लाना है, तो हमें वहाँ पर कॉलम नंबर बताना होता है एज पर दी टेबल एरे। उसके बाद आपका ये जो फोर्थ पैरामीटर होता है ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप ये पैरामीटर पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट अप्रॉक्सीमेट मैच माना जाता है। अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना है तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्ट मैच करना है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पे, आपका एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपका फॉल्स होता है या तो ज़ीरो होता है, और अगर आपको अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करना है तो वन या तो आपका ट्रू होता है। और अप्रॉक्सीमेट मैच जो होता है वो आपकी लुकअप वैल्यू नंबर्स में होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका अप्रॉक्सीमेट मैच काम करता है। यूजुअली वो टेक्स्ट पे आपका अप्रॉक्सीमेट मैच काम नहीं करता है। तो चलिए इस वीडियो के एग्जांपल को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है जिसमें नेम है, सरनेम है, अलग कॉलम में है।
लोकेशन है और नंबर है, तो मुझे ये नेम और सरनेम जो स्वामी साजन है मुझे इस चीज़ का लोकेशन एक्सट्रैक्ट करना है और नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। वैसे ही नवाज खान का मुझे लोकेशन और नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर को कंसीडर करूँ, मैं सरनेम को कंसीडर नहीं करूँ, तो ये केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कि यूनिक आइडेंटिटी पर काम करता है, आपका लुकअप वैल्यू यूनिक होना चाहिए डेटाबेस में। तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस में दो नवाज़ है, तो नवाज़ शेख भी है और नवाज़ खान भी है। अगर हम सिर्फ नवाज़ के ऊपर, नवाज़ को लुकअप वैल्यू मान के हम इस चीज़ को भी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये केस में बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नवाज़ शेख का ही आउटपुट मिलेगा, बिकॉज वी लुकअप यही कहता है कि मैं ढूंढना शुरू करूँगा, जैसे ही मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी बस उसी का मैं रिज़ल्ट आपको निकाल के दे दूँगा। मेरा काम नहीं है कि उसके बाद जाके चेक करना कि और वो वैल्यू पर है या नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो हमें फंक्शंस को कॉम्प्लेक्स करना होता है, हमें थोड़ा सा उसमें ट्रिकी पार्ट ऐड करना होता है, तब जाके चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है। बट प्लेन वी लुकअप में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्या आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यूज़ है, रेपिटेटिव एंट्रीज है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। ये यही कहता है कि मुझे जैसी फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी बस मेरा काम ख़त्म, मैं उसी चीज़ को आपको दे दूँगा, उसके आगे जाके चेक नहीं करूँगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ करके, राइट। तो इसमें आपको ये लॉजिक्स पता होना ज़रूरी है, बेसिक एलिमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट वी लुकअप का पता होना बहुत ज़रूरी। चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन ही यूज़ करके आपको बताते हैं कि गलती कहाँ होगी। अगर मैं वी लुकअप देता हूँ, लुकअप वैल्यू मैं स्वामी दे देता हूँ, मैं उनका सरनेम नहीं देता हूँ, तो लुकअप वैल्यू मैंने अगर ये चीज़ दे दी है, अब टेबल एरे जो है मेरा टेबल एरे हो गया ये चीज़, ठीक है। टेबल एरे में हमने इस चीज़ को लॉक करना है और हम यहाँ पे जैसे कि मुझे लोकेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो थर्ड नंबर पे मेरा लोकेशन है, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, 0 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए नेरुल स्वामी साजन का निरुल आ चुका है जो कि बराबर है, ये इसलिए आ चुका है बिकॉज स्वामी एक ही है, अगर एक है तो हमें कोई इशू नहीं है। बट अगर मल्टीपल है, जैसे नवाज़ की बात की जाए, तो देखिए नवाज़ मल्टीपल है, तो यहाँ पे नवाज़ खान का जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये वाशी दे रहा है, बट नवाज़ खान जो है ये तो जुईनगर में रहते हैं, राइट। तो ये वाशी क्यों दे रहा है, और वाशी दे रहा है तो वाशी किसका है, तो वाशी नवाज़ का तो है बट नवाज़ शेख का है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लुक नवाज़ को कर रहा है, जैसे ही पहले नवाज़ मिल गया बस उसे पता नहीं कि ये नवाज़ खान का निकालना था, हमने तो बताया नहीं, हमने सिर्फ कहा नवाज़ का, तो नवाज़ का तो उसने निकाल दिया, जो पहला नवाज़ मिला उसका उसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। तो इस केस में हमें करना क्या है, चलिए इस केस में हम समझते हैं कि बेसिकली करेंगे क्या। तो इस केस में हमें ये करना होता है कि इस केस में हम कुछ वर्क अराउंड करते हैं और कुछ यूनिक बनाते हैं। जैसे कि मेरे डेटाबेस में यहाँ पे नेम और सरनेम ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे पता चल रहा है कि नेम और सरनेम को अगर कॉन्केट कर दूँ टेक्स्ट जॉइन के साथ तो ये यूनिक बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नेम और सरनेम करके कैसे वर्क अराउंड टेबल नेम डाल देते हैं, और हम इस चीज़ को जोड़ देंगे नवाज़ एंड शेख, ओके। अब इस चीज़ को नीचे तक ड्रैग करो, अगर आप ये डेटाबेस को देखो तो ये डेटाबेस को देख के समझ में आ रहा है नवाज़ शेख एक अलग है और नवाज़ खान एक अलग है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी है ही नहीं, देखिए। और इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एक ऐसे सेम टू सेम वर्क अराउंड करते हैं ताकि हमें ये ईजी पड़े, हम यहाँ पे वापस से इस नेम और इस सरनेम को जोड़ देते हैं ताकि हम दोनों जगह कुछ यूनिक बना सके। अगर यहाँ पे यूनिक है तो यहाँ पे भी यूनिक होना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वी लुकअप मारते हैं, अब हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है, अभी हमने जो वर्क अराउंड से जो कॉलम बनाया उस कॉलम की यूनिक वैल्यू देंगे जो कि है स्वामी साजन, सिर्फ स्वामी नहीं स्वामी साजन, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कर दो, अब टेबल एरे आप यहाँ से दे दो, हमारा टेबल एरे जो फर्स्ट कॉलम हमने वर्क अराउंड में बनाया नेम सरनेम हम वहाँ से देंगे बिकॉज वो हमारा लुकअप वैल्यू होगी ना कि सिर्फ नेम, राइट। तो हम इस चीज़ को फ्रीज कर देंगे और लोकेशन जो होगा वो होगा फोर्थ कॉलम से, और हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इस चीज़ को हम नीचे तक ट्रैक करेंगे, देखिए नवाज़ खान का जो जुईनगर है इसने प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, तो है ना कमाल की चीज़। तो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करना होता है और इस तरह से हमें आउटपुट आता है। चलिए और एक चीज़ बताता हूँ, हमें ये जो टेबल जो डेटा बेस है वहाँ पे हमें यूनिक कॉलम बनाना ज़रूरी है, बट अगर हम यहाँ पे अगर यूनिक है जहाँ पे लुकअप वैल्यू है वहाँ पे यूनिक ना बनाए तो हम कैसे करेंगे, हम फंक्शन के अंदर ही कॉन्केट का यूज़ करेंगे। तो एक काम करते, जो नंबर है नंबर के ऊपर हमें यूज़ करके आपको बताता हूँ, तो हम करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप जो है लुकअप वैल्यू यूजुअली हम यहाँ पे H4 दे रहे हैं जिसमें आपका कॉन्केट कर किया हुआ है, हम मान के चलिए वो है चीज़ है नहीं, तो हम क्या करेंगे I4 जो है I4 एंड J4। अब देखिए मैंने वी लुकअप लुकअप वैल्यू है उसको ही इंटरनली कॉन्केट कर दिया हूँ, और टेबल एरे जो है मैं आप यहाँ से दे दूँगा
फ्रीज सेम 4 और 0 एंटर। देखिए यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, हमें नंबर जो निकालना है वो फोर्थ कॉलम में नहीं है, वो फिफ्थ कॉलम है, तो हमें यहाँ पे 5 करना है। देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं इवेल्यूएट करके भी बताता हूँ कि वो कॉनकेट अंदर ही अपने आप में कैसे कॉनकेट करता है। तो हम फॉर्मूला में जाते हैं और यहाँ पे इवेल्यूएट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे वीलुकअप में आपको बताया जा रहा है I4 से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की गई है स्वामी, और यहाँ से साजन, और इस चीज़ को कॉनकेट किया गया है। तो इंटरनली ही फॉर्मूला ने अंदर ही टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज़ करके लुकअप वैल्यू को कॉनकेट करके वो टेबल एरे में आपका लुक करके आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। तो होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके डेटाबेस में यूनिक एंट्रीज नहीं है तो आप उस चीज़ को यूनिक कैसे बनाओगे। तो आपको इसी तरह से थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके एक एक्स्ट्रा वर्कअराउंड कॉलम ऐड करके कुछ यूनिक बनाना होगा, और उसके बेस पे आपको यहाँ पे वीलुकअप का यूज़ करना होगा। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, या आप ये नहीं कह सकते हो कि हर बार आपको डेटा एकदम सिंपल फॉर्म में आ जाएगा जहाँ पर आप बेसिक वीलुकअप का यूज़ करके चीज़ें करके दे दोगे। देखो आजकल इंटरव्यूज़ काफ़ी टफ़ हो चुकी है, अगर MIS की बात की जाए, टेक्निकल इंटरव्यू जो एक्सेल की होती है काफ़ी टफ़ हो चुकी है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझे जाते हैं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है या नहीं पता है, बिकॉज यहाँ पे वी लुकअप और एच लुकअप तो सब लोग रट्टा मगअप करके चले जाते हैं, बट वहाँ पे अभी लोगों को पता चल चुका है कि लोग सिर्फ वी लुकअप एच लुकअप मगअप करके आते हैं। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जाते हैं, अगर ऐसे नहीं है तो आप कैसे वर्कअराउंड करके चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके दोगे। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए, और ये चीज़ सीखने से आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि अगर सिंपल फॉर्म में कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो आपका दिमाग लगा के कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीलुकअप्स पे हम और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, जो आप भी देख के अमेज होगे कि इस तरह से भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो वो सारी की सारी लाइब्रेरीज मेरी बन चुकी है, तकरीबन आपके लिए मेरे पास 10 से 15 वीलुकअप के ऊपर वीडियोज़ है। तो बहुत जल्दी वो एक एक करके मैं लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो होप गाइस ये आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो, अगर लगा हो तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलना, और हमारी फैमिली के साथ और भी काफ़ी लोगों को जोड़ दो, ताकि मैं चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये सारी चीज़ों का बेनिफिट्स मिले। तो इसी के साथ स्टे फिट, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।